हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर सहेलिया। मैं निपा मिस्त्री आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है पनीर कैप्सिकम भुर्जी। ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट फेवरेट डिश है। तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम ग्रेटेड पनीर लिया है, फिर 1 कप टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 कप ओनियन बारीक कटा हुआ, 3/4 कप कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, 3 ग्रीन चिलीज, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए गरम मसाला पाउडर, मैंने यहाँ पर किचन किंग मसाला लिया है, और ये है कसूरी मेथी। और ड्राई मसाले में हम लेंगे ये रेड चिली पाउडर, कश्मीरी मिर्च लिए है मैंने, जीरा और हल्दी पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें 3 से 4 चम्मच जितना तेल लेना है, 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा कैकल हो गया है तो अब हम इसमें ये 1 कप बारीक कटा हुआ ऑनियन डालेंगे। ऑनियन को हल्का सा ब्राउन करना है। ओनियन हो गए हैं हल्का सा ब्राउन, तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और टमाटर को तब तक पकाना है जब तक ये पल्पी नहीं हो जाते। टमाटर हमारे पक चुके हैं तो अब हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हमें इसका क्रंची टेस्ट चाहिए, तो बस हमें थोड़ा सा स्टर करना है। दो मिनट हमने ये स्टर फ्राई कर लिया है तो अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे जो मैंने हाथ से मसल ली है। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेना है। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, मैंने यहाँ पर किचन किंग मसाला लिया है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, सबको अच्छी तरह से मिला देना है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। अच्छी तरह से हिला के इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकॉन भी प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाले समय में हम नए नए वीडियो आपके लिए लाए और आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।